स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल वर्ल्ड में किस तरह की रेस चल रही है, फिर चाहे वो कैमरास की बात हो या फिर प्रोसेसर की। कैमरास में पहले 48 मेगापिक्सल लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद 64 मेगापिक्सल लॉन्च हुआ, अभी 108 मेगापिक्सल चालू है। और सैमसंग की तरफ से ये न्यूज आई है कि 150 मेगापिक्सल आने वाला है। और प्रोसेसर की बात करें तो पहले 855, देन 855 प्लस, अभी 865 चालू है, और अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुए मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस, इन सभी में रेस लगी हुई है। अब आते हैं नेटवर्क्स के ऊपर, तो पहले 2G मिला, फिर उसके बाद 3G नेटवर्क मिला, अभी 4G चालू है और 5G आ रहा है। और 5G ऐसे आ रहा है जैसे आपको कल ही 5G नेटवर्क मिल जाएगा, और उसमें भी 5G बजट स्मार्टफोन। ये रेस तो हमेशा ही चलती रहेगी, लेकिन आपको पता ही है कि रियलमी ने इंडिया में सबसे पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, और जस्ट उसके दूसरे दिन IQ3 लॉन्च हुआ। इसकी भी एक मजेदार कहानी है, मैं अभी किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। क्या आपको पता है IQ ने चाइना में अभी रिसेंटली IQ Neo 3 लॉन्च किया, जिसमें स्नैपड्रैगन A65 है, और वो एक दमदार फोन है। और आपको अभी पता चल ही गया होगा कि रेस किस में चालू है। तो यार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बजट 5G स्मार्टफोन की, जिसमें IQ ने भी अभी हिस्सा ले लिया है, और IQ अभी न्यू फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है IQ Z1। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके प्रोसेसर की, जो उसकी हाईलाइट होने वाली है। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट मिलने वाला है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ, और ये हाइपर इंजन 2.0 के साथ एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है, और ये पबजी प्लेयर्स के लिए तो एकदम जबरदस्त फोन है। मीडियाटेक ने पिछले साल ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 लॉन्च किया, और उस प्रोसेसर का इंतजार आज भी हो रहा है। लेकिन जैसे 1000 प्लस लॉन्च किया, तो IQ ने इसके साथ अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने का फैसला ले लिया, और आपके सामने अभी IQ Z1 आने वाला है। इसकी लीक भी आ चुकी है, और ये प्रोसेसर 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस है कि आपको इस स्मार्टफोन में भी मिलेगा। इसके साथ ही ये स्मार्टफोन एक जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। अब बात करते हैं उसके डिस्प्ले की, तो आपको इसमें 6.57 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जो सिंगल पंच होल के साथ आएगी, और इसकी फोटो भी सामने आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैमरास की बात करें, तो आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब बात करते हैं उसके पावर की, तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है, और एंड्रॉइड 10 सपोर्ट भी मिलने वाला है। आपको इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलने वाला है, तो इसकी प्राइस भी नियर अबाउट 25-26,000 हो सकती है, जो कि ट्विटर पर इसके लीक्स आ चुके हैं। और ये स्मार्टफोन 19 मई को चाइना में लॉन्च होने वाला है, और इंडिया भी जल्दी आएगा। और आपको इस प्राइस पर ये स्मार्टफोन कितना अच्छा लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।